नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज। मैं आपके साथ अंशु शर्मा, रुक करते हैं खास खबरों की ओर। फिर से बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां रिटायर्ड डिप्टी एसपी रणधीर सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने घोषित 25,000 का इनाम किया। रणधीर सिंह ने बतौर इंस्पेक्टर एनकाउंटर की अगुवाई की थी। वर्ष 2002 में बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फर्जी एनकाउंटर मामले में रिटायर्ड डिप्टी एसपी रणधीर सिंह मुलजिम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर हाल ही में लगाया है 7 लाख रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, बुलंदशहर एनकाउंटर मामले में आरोपी सिपाही और पुलिस अफसरों को पूरी मशीनरी बचाने में लगी है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, बुलंदशहर एनकाउंटर मामले में आरोपी सिपाही पुलिस अफसरों को पूरी मशीनरी बचाने में लगी है। एनकाउंटर मामले में रिटायर्ड डिप्टी एसपी रणधीर सिंह फरार चल रही हैं। इस एनकाउंटर की सीबीसीआईडी ने जांच कर अपनी अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट में जमा की थी, लेकिन इस घटना में मारे गए युवक के पिता के प्रोटेस्ट लेने के कारण अदालत ने ट्रायल शुरू कर दिया था, जिससे इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को समन वारंट भेजा गया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों ने जमानत करा ली थी। बाकी 4 पुलिसकर्मियों को अदालत लगातार समन वारंट भेजती रही, जिनमें 2 पुलिसकर्मियों को कुछ दिन पूर्व ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 1 पुलिसकर्मी ने अदालत में सरेंडर कर दिया था, लेकिन रिटायर्ड डिप्टी एसपी लगातार फरार चल रहे थे। उन पर एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। विशेष संवाददाता आनंद सिंह हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अदालत से लगातार वारंट जा रहे हैं। सन 2017 से ही अनवरत वारंट जारी हो रहे हैं और ये अपने को छुपा करके अब तक बचते रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि घोषित की गई। क्या कुछ मामला था सर, कोई फेक एनकाउंटर का मामला था? सन 2002 में एक पुलिस मुठभेड़ सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में हुई थी। उस प्रकरण में जांच सीबीसीआईडी के द्वारा की गई थी। जांच के बाद सीबीसीआईडी ने अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट किया था, लेकिन जो मृतक था घटना का, उसके पिता के द्वारा अदालत में प्रोटेस्ट करने के कारण अदालत के द्वारा ट्रायल प्रारंभ कर दिया गया और सबके समन वारंट जारी किए गए। शुरुआत में 4 कर्मचारी जो उस घटना से संबंधित थे, उन्होंने अदालत से अपनी जमानत करा ली। 4 लोग पुनः गिरफ्तारी से बचते रहे। अदालत के द्वारा वारंट लगातार जारी होता रहा। हम लोगों के द्वारा 22 और 24 नौ को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 1 20 नौ को जो घटना के नामित अभियुक्त थे, जिनके वारंट जारी थे, उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था। अभियुक्त रणधीर सिंह लगातार अपने को बचाते हुए छुपाते हुए भटक रहे हैं, तो उनके विरुद्ध 25,000 की पुरस्कार राशि जो भी व्यक्ति उनके गिरफ्तारी के संबंध में सूचना देगा उसे प्रदान किया जाएगा। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज़। नमस्कार।